ऊपर से तो ये छोटा दिख रहा था, लेकिन नीचे जाने पर पता लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है। और आप देखो जो पत्थर जो ऊपर से दिखते हैं ना छोटे छोटे, वो देखो कितने बड़े हैं। और इधर देखिए आप, काफ़ी गहरी है और काफ़ी मतलब थोड़ा सा डरावना लगेगा। एक पुल आपको दिखेगी वहाँ पर, लेकिन जब नीचे आओ तो थोड़ा सा भयावह लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है क्योंकि अकेले हूँ और ऊपर में दिखाया हूँ कोई नहीं है आसपास में। मेरा जो हाइट है उनसे 3 गुना ये पत्थर की हाइट है। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा है कैमरा है, इसकी वजह से आपको दिख रहा होगा। और इधर देखो इधर भी वही, मतलब दोनों तरफ की चट्टाने जो है कांटे से बनाई गई है। तो ये है थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है क्योंकि अकेले होने से। अरे कहना क्या चाहते हो? सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और आप सभी को जय श्री राम। सो काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर ही चुके हैं और शायद कांटा चुभ गया पैर में। और जो है ये जैसा कि आप नहर देख रहे हो, सो नहर जो है पूरी तरीके से खाली है क्योंकि पानी काफ़ी दिनों से आया नहीं है। पानी आया क्यों नहीं है? क्योंकि बारिश का भी टाइम तो चल रहा है लेकिन बारिश अच्छे तरीके से हुई नहीं है। सो इस तरीके से ये पूरी नहर जो है खाली है अभी। और कभी मैं ये नहर के नीचे नहीं उतरा हूँ, मतलब बहुत गहरा है, लगभग 20 से 25 फीट ये गहरी होगी। और पत्थर आपको दिख रहे होंगे, मतलब देखा जाए तो ये आपको पत्थर दिख रहे होंगे, तो काफ़ी पत्थर हैं, पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगी हुई हैं। सो आज एक एक्सपीरियंस करते हैं कि नहर के नीचे चलने से क्या होता है, मतलब कैसा लगेगा, डरावना लगेगा कि मैं अकेले हूँ ऐसे और आसपास कोई भी नहीं है। देखो कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तो चल के देखते हैं। और काफ़ी लंबी जो है ये नहर है, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ का एक जगह है धमतरी, जहाँ एक बहुत बड़ी डैम है, गंगरेल डैम जिसको कहा जाता है, तो वहीं से जो है ये नहर निकल के आई हुई है। सो नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद देखते हैं कि इसमें चलने का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, मतलब क्या होने वाला है, मतलब कैसे लगने वाला है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो चलते हैं नीचे। तो कुछ इस तरीके का जो है ये नहर है और ये छोटा सा रास्ता है, मतलब रास्ता तो नहीं बोलूँगा लेकिन उतरने के लिए अच्छी जगह है। सो इससे आसानी से उतर जाएंगे। बाकी जगह पे काफ़ी चट्टाने हैं तो वहाँ पे उतरना मुश्किल है, जैसे दिख रहा होगा आपको काफ़ी चट्टाने उधर भी है। और ये पानी की वजह से ना, मतलब पानी का बहाव होता है उस वजह से ये कट चुकी हैं। सो वहाँ से उतरना सही नहीं होगा, यहाँ से भी उतरना सही नहीं होगा। यही एक रास्ता दिख रहा है और मेरे ख्याल से थोड़ा आगे चलते हैं, कहीं से कोई रास्ता मिल ही जाएगा। सो मेरे को वो वहाँ से लग रहा है क्योंकि पैर फिसलेगा तो सीधा हम नीचे चले जाएंगे। और ये जो है काफ़ी गहरी है जैसा कि दिख रहा होगा, हालांकि वो कैमरे पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी गहरी है ये। फटाफट से उतरते हैं। वाह, तो ये है भाई नहर। देख अब देखो आप, अब देखो आप, आपको अब लगेगा कि ऊपर से तो ये छोटा दिख रहा था लेकिन नीचे जाने पर पता लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है ये। और अब देखो अब जो पत्थर जो ऊपर से दिखते हैं ना छोटे छोटे, वो देखो आप इतने बड़े हैं। और इधर देखिए आप, काफ़ी गहरी है और काफ़ी मतलब थोड़ा सा डरावना लगेगा। एक पुल आपको दिखेगी वहाँ पर, एक पुल है, बहुत पुरानी पुल है, लोग कभी कभी आना जाना करते हैं वहाँ से। तो इस तरीके की चीज़ें, ये सामने की तरफ है और ये जो है पीछे का है। सो इधर चलेंगे हम। और ये है चलने का, ज़मीन देखिए आप कैसे है। बस अब फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ। सो जैसा कि देख पा रहे होंगे अभी जो है हम नीचे उतर चुके हैं और नीचे उतरने पर थोड़ा सा डरावना तो लग रहा है क्योंकि अकेले में घूमना और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब क्या बोलें। सो कुछ इस तरीके की जगह है जो नहर का नीचे का हिस्सा है। और देखो पत्थर, देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। और ये जो है नहर होगी, मेरे ख्याल से इसकी चौड़ाई होगी, इसके बारे में मैंने तो थोड़ा सा अभी आगे में आपको बताया कि ये कहाँ से आई है। और ये लगभग मेरे ख्याल से 600 से 700 किलोमीटर के आसपास ये चलती है, मतलब लंबी है ऐसा मेरा कहना है। और ये गंगरेल डैम से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ का धमतरी ज़िले का सबसे बड़ा डैम है।
और अभी फिलहाल बारिश के टाइम होने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश उतनी अच्छी से नहीं हो पाई है। सो उस हिसाब से अभी ये सूखी हुई है। और पत्थर देखो अब, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत छोटा होगा, मतलब गहरा नहीं होगा, लेकिन जब नीचे आओ तो थोड़ा सा भयावह लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है, क्योंकि अकेले हूँ और ऊपर में दिखाया हूँ कोई नहीं है आसपास में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा चलते हैं कि क्या है यहाँ का, और कुछ चीज़ें मिल ना जाए, नहीं तो फिर पत्थर को मैं दिखाता हूँ आपको कैसे पत्थर को काट के नहर को बनाया गया है। और पत्थर ये काफ़ी लगभग 15 से 20 किलोमीटर, जो कि यही वाला जो एरिया है यहीं पर पत्थर है, बाकी जगह बिल्कुल भी नहीं है। सो ये है पत्थर, देखो मेरा जो हाइट है उनसे 3 गुना ये पत्थर की हाइट है। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा है, कैमरा है इसके वजह से आपको दिख रहा होगा। और इधर देखो आप, इधर भी वही है, मतलब दोनों तरफ की चट्टाने जो है काट के इसको बनाई गई है। तो ये है थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि अकेले होने से खैर अभी आना जाना रहता है इधर, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके का जो है नहर में उतरने का और चलने का एक्सपीरियंस है। और ये पूरे नीचे पत्थर वगैरह अभी दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें ना मिल जाए, नहीं तो फिर भागना मुश्किल हो जाएगा। जो इधर देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें यहाँ पे रहती होगी, मतलब कोई छोटे जानवर हो सकते हैं, जंगली जानवर वगैरह। बहुत ज़्यादा खोल बनी हुई, मतलब अंदर बहुत सारे जगह बने हुए हैं जैसे कि दिख रहा होगा आपको। सो ये है, और पत्थर इधर भी है, पानी के बहाव में पूरी तरीके से मिट्टी जो है खाली हो गई है इसकी, तो पत्थर जो है टूट टूट के गिरने लग गए हैं। तो चलने के लिए थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ऊपर घूम घूम के ना दिमाग थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब ऊपर घूमने में। तो ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। और बाय द वे, अगर पानी आ जाता है इसमें तो भागना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पत्थर है, इधर भी पत्थर और इधर भी पत्थर, तो चढ़ेंगे कहाँ से, क्योंकि पत्थर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 15 से 20 फीट तो होगी मेरे ख्याल से। और पूरा नहर जो गहरा है वो होगा मेरे ख्याल से 25 फीट के आसपास ये गहरा होगा, इतना हो सकता है, ऊपर नीचे 20 से 25 फीट एवरेज होगा। और ये ज़मीन है, ज़मीन में थोड़ा सा पैर मेरा धंस रहा है नीचे, क्योंकि थोड़ी हल्की बारिश हुई है, पानी भरा रहता है इसमें, सो इसकी वजह से। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें देख के आपको अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर, आपके आसपास नहर वगैरह होगी, खाली होगी, तो थोड़ा सा घूम के देखिए कैसा लगता है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन ये ध्यान रखें कि बारिश के टाइम में बिल्कुल ना घूमें, क्योंकि कहीं से भी सैलाब आ सकता है, मतलब पानी का जो बहाव है वो आ सकता है, और आप अगर तैरने में असमर्थ रहेंगे तो बह जाएंगे। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें, और सूखी हो तो ही आप उसमें उतरें और घूमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी हो तो बिल्कुल पैर नीचे मत रखिए, नहीं तो देखो इतनी बड़ी नहर में कहीं से भी अगर पानी भी आ जाता है तो फिर भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, फिर डर में भी बैठ जाओगे यहीं पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो में।